शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अजय जी, बात करें यहां से अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आपने हमेशा ही बोला है कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव टू मीडियम है। अभी हमने ग्वार गम ग्वार सीड में ऊपरी स्तर से काफी दबाव भी आता हुआ देखा है कि जो कीमतें हैं काफी फिसलती भी नजर आई, और अभी भी देख रहे हैं कुछ खास लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी ग्वार गम और ग्वार सीड ऐसे ही मंदी के साथ ट्रेड करते रहेंगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ग्वार में मेरा व्यू न्यूट्रल टू वीक है जी। सेम व्यू मैं लेके चलता हूँ। मार्केट में जब तक 6200 का लेवल नहीं तोड़ेगा ट्रेंड वीक रहेगा। जो 5600 का पहला लेवल है और मे बी 5600 का लेवल अगर इन्फ्लेट करता है, टूटता है, तो 5100-5200 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट मेरा व्यू थोड़ा सा चेंज होगा 15 से 20 मार्च के बीच में। जिस ढंग से क्रूड में एक बड़ी तेजी आई है, $118 ब्रेंट ने टच कर दिया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यूएस के प्रोडक्शन को लेकर, क्योंकि रशिया 10.2 मिलियन डॉलर का प्रोडक्शन रखता है। अब रशिया पे जो इकोनॉमी का टेंशन लग रहे हैं एनर्जी पे, जिसके चलते यूएस कोशिश करेगा ये ऊंचे भाव को कैप्चर कर पाए, लेकिन जब तक ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाएंगे तब तक इससे तेजी नहीं बनती है। तो मुझे लगता है 20 मार्च के आसपास अगर स्टिमुलस पैकेज की घोषणा होती है और वो ऑयल एंड गैस को करता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी बन जाएगी, बस 20 तारीख के बाद बनेगी जी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।